जिस तरीके से गुंडे आकर के धमकाते हैं लोगों को, उस तरीके से मुझे धमकाया गया है। और जब पुलिस ही इस तरीके से गुंडों की तरह धमकी देकर के जाएगी तो हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जाएंगे? कुछ पैसे कमाने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए अगर ये काम कर रही हूँ तो ये क्या अपराध है? इसलिए चाय बेच रही हूँ, मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है, तो किस बेसिस पे वो मुझे अरेस्ट करेंगे? मतलब तुम अपना जो ये कार्ड है वो यहाँ से हटा लो, नहीं तो कल जेसीबी से तोड़वा देंगे, तुमको अरेस्ट करवा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश जसवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक चाय चौपाती दुकान खुला है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया जा रहा है, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे स्टॉल रखिएगा तो आपके स्टॉल को बुलडोजर के द्वारा उठा लिया जाएगा, और साथ में धमकी ये भी दिया जा रहा है कि गिरफ्तार भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए उनसे बातें करते हैं कि उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है, आखिर पूरी कहानी क्या है। तो चलिए रितिका जी से बात करते हैं, आप यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके साथ क्या हुआ, पूरा कहानी बताइए शुरू से, पुलिस प्रशासन ने क्या कह के गया? एक्चुअली देखिए, हम लोग यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं, दुर्गा पूजा से स्टॉल शुरू किया है हम लोगों ने। थोड़ा सा स्कूल के वजह, स्कूल के तरफ से भी हम लोगों को प्रेशर आया था, हमने मतलब ट्राई किया, ऐसा नहीं है ट्राई नहीं किया, बट कहीं पे भी जगह नहीं मिला। और जितने भी लोग हैं कोई भी परमिशन से तो लगा नहीं रहे यहाँ पे। अभी भी ऐसा हुआ कि हम लोग खुद यहाँ पे भी लगाए तो यहाँ पे भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लोगों ने बोला भी है ये चीज़। फिर कुछ देर के बाद, कुछ देर पहले पुलिस प्रशासन आई, पाटलिपुत्र पुलिस प्रशासन, उन्होंने मतलब पर्सनली मेरे को धमकी दी इस बात की कि तुम अपना जो ये कार्ड है वो यहाँ से हटा लो, नहीं तो कल जेसीबी से तोड़वा देंगे, तुमको अरेस्ट करवा लेंगे। और मतलब मैंने इस बात पे क्वेश्चन भी अराइज किया कि और लोग जो लगा रहे हैं उन लोगों का क्यों नहीं हट रहा है, आप मतलब पर्सनली मुझे ही क्यों बोल रहे हैं? तो उससे भी उन्होंने कहा कि तुमने सबका ठेका लेकर के रखा है, मतलब काफी बदतमीजी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तो चलिए आगे मैम बताइए क्या हुआ। बहुत ही बदतमीजी से बात की उन्होंने, बहुत ही बदतमीजी से बात की, और जिस तरीके से गुंडे आकर के धमकाते हैं लोगों को उस तरीके से मुझे धमकाया गया है इसको हटाने के लिए। और बात रही कि गिरफ्तार होने की, तो मैंने ऐसे कौन सा क्राइम किया है, कौन सा अपराध किया हुआ है कि मैंने अपना कार्ड लगाया है यहाँ पे, मैं काम कर रही हूँ, चाय बेच रही हूँ, मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है, तो किस बेसिस पे वो मुझे अरेस्ट करेंगे? मतलब मेरा बस यही है। आपके साथ मतलब दुर्व्यवहार किया गया? मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और क्या सब बोले हैं, क्या बोले कि स्टॉल हटा देने के लिए? बिल्कुल बोले हैं कि तुमको समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं तो कल तुम्हारे स्टॉल को क्षति पहुंच सकता है, तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो सकता है, तुमको हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत तरह का धमकी दिया गया है। मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा कि और लोगों का क्यों नहीं हटाया जा रहा है, तो उस बात पे मुझे बोला गया कि तुमने दूसरों का ठेका लेकर के रखा हुआ है। कौन सा पुलिस प्रशासन था या मतलब नगर निगम से? नहीं बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ने, पाटलिपुत्र पुलिस प्रशासन की पूरी गाड़ी आई हुई थी और उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे बुला करके मुझे ये बात बोला और बहुत ही बुरे तरीके से बोला। एज बीइंग अ फीमेल मतलब बहुत ही बुरा लगा मुझे इस बात का, बहुत ही ज्यादा। तो आप क्या कहना चाहते हैं व्यूअर? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है ये कार्ड खोल के चाय बेच के और लोग भी कर रहे हैं, क्या गलत किया मैंने? मैं अपने अपने लिए कुछ पैसे कमाने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए अगर ये काम कर रही हूँ तो ये क्या अपराध है इसमें कि पुलिस आ करके इस तरीके से धमकी दे करके जाए हमें? और जब पुलिस ही इस तरीके से गुंडों की तरह धमकी दे करके जाएगी तो हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जाए, किसके पास जाए फिर? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीका से एक लड़की को परेशान किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। यहाँ पर इन्होंने चाय स्टॉल खोला है और इसे बार बार धमकी दिया जा रहा है कि यहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो आपके स्टॉल को हटा बुलडोजर के द्वारा उठवा लिया जाएगा, और साथ में ये भी कहा गया गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अगर ऐसे किया जाएगा तो यहाँ पर कैसे लोग जिंदगी बिता पाएंगे? इससे पहले आपने देखा होगा कि गिरदो चाय वाले के साथ भी एक घटना हुई थी, वहां पर भी स्टॉल को बुलडोजर के द्वारा उठा लिया गया था, और यहाँ पर फिर से एक बार हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों के साथ ये घटना ना हो पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की के साथ बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। तो और कुछ मेरा कहना चाहेंगे? यही कहना है सर कि पक्षपात क्यों हो रहा है? अगर यही चीज है, अगर यही रूल रेगुलेशन है, तो ये चीज सबके साथ होना चाहिए, सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रहा है? सर मुझे इंडिविजुअली वहां बुला करके ये बोलने का क्या तर्क था? क्यों मुझे धमकी दी गई इस बात के लिए? क्यों धमकाया गया, क्यों डराया गया मुझे? आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, क्या अपराध किया है?
और इस चीज को इन्फ्लुएंस कौन दे रहा है इस बात का तो मुझे नहीं पता है, बट जो भी है इस तरह का पक्षपात और इस तरह का जो अन्याय हो रहा है वो सही नहीं है। और ये चीज पुलिस आकर के कर रही है तो क्या ही बोले, जिस पुलिस के पास हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं वही पुलिस आकर के हमें अगर धमका रही है तो फिर तो इंसान तो फिर सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। क्योंकि पुलिस होती है सुरक्षा के लिए और पुलिस ही आकर के धमका रही है तो लोग कैसे जिंदगी बिताएंगे, आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों के साथ ये घटना ना हो। तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।